नामांकन की प्रक्रिया जारी है और तमाम जो प्रत्याशी है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। ये कांग्रेस का जो रैली है, नामांकन रैली है, जिसमें प्रदेश के मंत्री रविंद्र चौबे और तमाम कांग्रेस के पार्टी के जो विधायक है और तमाम जो प्रत्याशी है वो पहुंच रहे हैं। कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से लहर है, क्या कुछ उम्मीद है, कुछ प्रत्याशी उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया, चुनाव में खड़े इस बार किस तरीके से रुझान है, क्या कुछ लगता है? बिरगांव नगर निगम में पूरे 40 वार्ड में कांग्रेस के रुझान है और यहाँ पूरे 40 के 40 पार्षद जीतेंगे और बिरगांव नगर निगम में कांग्रेस की महापौर पड़ेगी। इसका मुख्य कारण है माननीय सत्यनारायण शर्मा जी ने करोड़ों रुपए का विकास कार्य किया है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 104 करोड़ रुपए की घोषणा कर हम सबको नल जल योजना के दी है और साथ हमारे कॉलेज का भी निर्माण किया है और गुड़ा रोड सबसे दुर्गति थी वो हमारा सबसे विशाल है जो कांग्रेस पार्टी के लिए जीत के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य है। कौन से वार्ड से? मैं वार्ड क्रमांक 31 जगदीश वर्मा का हूँ। क्या लगता है बीजेपी और जोगी कांग्रेस भी है? जोगी कांग्रेस का प्रत्याशी 5 साल रहा लेकिन 5 बार गली में नहीं घुसा है, उसका तो जमानत जब्त हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा बीजेपी पार्टी पा लेंगे लेकिन कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से विजय होगी। आपकी बन गई तो कितने बार घूमेंगे? मैं तो हर दिन 2-4 बार घूमता हूँ, सुबह शाम पूरे गलियों में घूमता हूँ। ये थे कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी और कुछ प्रत्याशियों से बातचीत करते हैं, कुछ और प्रत्याशियों से बातचीत करते हैं। भैया, किस तरह से टक्कर देख रहे इस बार? कोई टक्कर नहीं है, हम जो विकास कार्य किया है उसके सामने किसी के, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास किया है, ना ही किसी पहले जिसका भी शासन था किसी ने विकास नहीं किया। अगर विकास कुछ हुआ है तो केवल और केवल अभी 3 साल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के कार्यकाल में विकास हुआ है। ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हुआ होगा हमारे बिरगांव नगर निगम में। क्या भूपेश बघेल के दम पे चुनाव लड़ेंगे? हम अपने दम पे तो लड़ेंगे लेकिन हमारा भूपेश बघेल जो काम किया है वो भी हमारे ताकत रहेगी। हमारे क्या कुछ करवाएंगे आप अपने निकाय में? पूरे वार्ड के लिए, एक एक वार्ड के लिए, पूरे निकाय के लिए जो भी मूलभूत समस्या होगी पूरा मूलभूत हम समस्या हल करेंगे। किसी भी प्रकार की तकलीफ हमारी जनता को नहीं होगी। यहाँ कौन से वार्ड से? मैं वार्ड नंबर 25 नंदलाल देवांगन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। देवांगन माने जा रहे, क्या शपथ लेंगे, क्या निकाय के चुनाव के बाद आप जनता की उसी तरह सेवा करेंगे जिस तरह से एक नेता को करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं एक शपथ लेता हूँ और वादा करता हूँ पूरा हमारे बिरगांव नगर निगम की जनता को कि किसी भी प्रकार की मेरी जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी। जो भी समस्या हो चाहे बिजली पानी सड़क नल जल योजना का हर चीज हम संभव यथासंभव माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में, माननीय सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में हम पूरा करेंगे। क्षेत्र में नशे के व्यापार बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या करेंगे? क्षेत्र का नशे का व्यापार, उसके लिए हमने एक योजना बनाई है, उस योजना के तहत हम काम करेंगे। निश्चित है नए बच्चों को हम नशे। तमाम कांग्रेस प्रत्याशियों का कहना है कि उनकी जो योजना है उन पर वो काम करेंगे और चुनाव के बाद वो कहीं ना कहीं जनता को जो जिस उम्मीद से जनता ने उन्हें भरोसा दिलाकर जिताया है, कांग्रेस प्रत्याशियों ने उनको सीट दिया है, उसी दम पर वो इस बार चुनाव लड़ेंगे।